हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और जिस कंपनी के बारे में आज जो बात करने जा रहे हैं वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और केपीआईटी जिस फील्ड में काम करती है उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग मैं जो ये रिसर्च पेपर लेके आया हूँ आपको आपके लिए वो है इंटरनेट ऑफ थिंग मार्केट एनालिसिस फॉरकास्ट 2020-30। ये IEEE का एक पेपर है, इसको आप रेफर कर सकते हो, डिटेल में आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि इसमें। तो मैं केवल कुछ पार्ट्स इसका बता दूँ कि इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से बता दूँ कि इसमें जो बोला गया है कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग इज एम्पावर्ड बाय मोर मोमेंटम एज अ बिजनेस इंटीग्रेशन बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, IoT टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन IDC के द्वारा। ये बोला गया है कि आने वाले समय में जो है इसका मोमेंटम बहुत ही तेज होगा और द वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर IoT सोल्यूशन, जो IoT सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो KPIT प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस सिस्टम। तो इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है, जैसे कार ऑटोमेशन में KPIT काम करती है, तो कार ऑटोमेशन में जो ऑटोमेट करना होगा उसमें जो इंटीग्रेशन होगा IoT का वो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करेगा। और ये जो है एनालिटिक्स एंड प्रोफेशनल सर्विस हैज ऑब्जर्व एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 20% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये बढ़ेगा। ये चीज जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज जो है आने वाले समय में जो भी कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है, IoT इंटीग्रेशन के फील्ड में काम कर रही है, उसका जो फ्यूचर है ब्राइट है। आपको पता है टाटा गैलेक्सी ये सारे शेयर जो है अच्छा खासा भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आने वाला समय IoT का है दोस्तों, और इसीलिए टेक्नोलॉजिकल शेयर में IT शेयरों में अच्छा खासा बूम है। तो यहाँ पे मैं चूज किया हूँ IoT का क्योंकि ये स्पेसिफिक कार ऑटोमेशन और बाकी ऑटोमेशन में काम करती है, तो इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा है। ये 2030 तक ये मार्केट इसी तरह से बढ़ना है, तो सोचिए 2030 में 20% के CAGR से कोई कंपनी ग्रो करती है तो क्या उसका प्रॉस्पेक्ट होगा। यदि हम बात कर लें इसके चार्ट का, सबसे पहले हम लोग चार्ट देखते हैं फिर उसके बाद से और भी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले चाहेंगे कि यदि मैंने इतना मेहनत किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, बस सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। तो यहाँ बात करते हैं, देखिए हम पहले चार्ट को समझ लेते हैं। और क्या मैंने पहले भी एक जो है वीडियो बनाया था, वीडियो जाकर रेफर कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर बोला था कि 280 के आसपास जब इस लेवल पे था तो मैंने एक वीडियो बनाया था और यहाँ से मैंने 70-80 पॉइंट का आपको जंप के लिए बोला था। फिर सेकेंड वीडियो जो है जब 30 के आसपास, 35 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था इसके अराउंड, तो यहाँ पे मैंने 13 अगस्त को भी मैंने बनाया था, आप 13 अगस्त का मेरा देख लीजिएगा मैंने बनाया था। और यहाँ से क्लियरली मैंने बोला था यहाँ से ₹50 यानी एक मैंने बताया था 380 से 392 का मैंने टारगेट किया था और उस समय ये 392 नहीं क्रॉस किया था, यहाँ पे था ही। और इसने देखिए 300 उसी मतलब ये यहाँ पे बनाया था और वहाँ पे 380 के आसपास इससे वहाँ से वापस आया है और फिर जो है इसने जो लो लगाया है इस पॉइंट पे लगाया है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है 300 के आसपास। और 300 के आसपास जब भी ये आपको शेयर मिल रहा है तो आप एक बार एक्यूमुलेट कीजिए और यहाँ से 50-60 पॉइंट पे 50% आप प्रॉफिट बुक कीजिए। 10-15% 20% कभी भी चला जाए दोस्तों, तो वहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। इससे देखिए फायदे ये होते हैं कि सपोज कीजिए आपने ₹300 पे खरीदा, 500 शेयर खरीदा सपोज कीजिए, और आपने ₹50 ऊपर बेच दिया 500 शेयर में से 250 शेयर, तो आपकी कॉस्टिंग क्या हुई दोस्तों, आपकी कॉस्टिंग हुई ₹250, यानी इस लेवल पे के आपकी कॉस्टिंग हुई जो कि इसका बेस अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया था आप देखिए मई से लेकर, तो ये लेवल आपको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो आप यहाँ पे इस टाइप के लेवल पा जाते हैं। तो इस तरह से आप एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट रखिए दोनों, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और ट्रेडिंग में कुछ पार्ट रखिए जो कि आपको फ्यूचर जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे उसको बुक कीजिए। फिर आप ऊपर भाग जाता है तो उसको चेस मत कीजिए, आप वेट कीजिए क्योंकि मार्केट में करेक्शन हमेशा आता रहता है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो इसके लेवल को आप 200 तक ला सकते हैं और 200 तक ला के आप चैन की सांस लेंगे कि चलिए ₹400 चल रहा है, 200 की आपकी खरीद पॉइंट है, तो आपने तो 100% गेन तो कर ही लिया है। और वहाँ से ये शेयर जो जो पोटेंशियल है आने वाले 4-5 सालों में यहाँ से 10 टाइम्स होने के बहुत चांसेस है क्योंकि 2030 तक 20% के CAGR से ये कंपनी बढ़ने वाली है। यदि बात कर लें यहाँ पे हम टिकट टैप ऐप पे आ जाए तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी रेड फ्लैग में है, तो ये सारी चीज़ें तो अभी नेगेटिव है, लेकिन फॉरकास्ट और फ्यूचर को देखते हुए इसको मैं
इसको वीडियो बना रहा हूँ और ये मल्टीबैगर होगा। यहाँ RSI लेवल देखा जाए तो 54 का है आज का, और वोलेटिलिटी जो इसमें दिखा रहा है 48% का है। वहीं पे RS टाटा कंसल्टेंसी का वोलेटिलिटी 20% है और RSI जो है 94 के आसपास है, इन्फोसिस का 72 और विप्रो का 66.5। तो RSI सपोर्टेड है यहाँ पे। और होल्डिंग देखी जाए तो होल्डिंग में क्या पोजिशंस हैं, तो यहाँ पर देखिए कि कोई प्लेज नहीं है और इन्होंने सारे प्लेज शेयर छुड़ा लिए हैं। मार्केट शेयर इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर देखा जाए कि म्यूचुअल फंड का जो है वो डिक्रीज हुआ है, FIIs का डिक्रीज हुआ है, तो ये सारे चीज़ें हैं। और न्यूज़ की बात कर लें तो इसमें न्यूज़ देखा जाए तो KPIT जो है लगातार एक वीक में 21% दिए मैंने जब वीडियो बनाया था, उसके बाद से आपको 21-22% का रिटर्न मिला होगा। यदि आप मेरा पुराना वीडियो देखिए 13-12 अगस्त का, उसमें आपको मिल जाएगा ये कि मैंने क्या बोला था और किस तरह से आपको इसमें खरीदारी की राय दी थी। बाकी तो आपने अपना जो भी रिसर्च किया होगा उसी के बेस पे किया होगा, मैं कोई यहाँ रिकमेंडेशन नहीं करता, बस आइडिया देता हूँ, आपको एक हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लिया जाए कि KPIT का क्या काम करता है। तो KPIT का फॉरवर्ड लुक परफॉर्मेंस ओवर व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस ओवर व्यू देखें दोस्तों, तो KPIT जो है ग्रो कर रही है 18.3% ईयर एंड ईयर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट ग्रो जो है 30% सिक्वेंसली है जो कि ह्यूज है दोस्तों, और एबिटा जो है 17.3% कंपेयर टू 7.2% लास्ट क्वार्टर। तो ये जो है प्री कोविड लेवल पे इसका जो है अब रिवेन्यू और प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो अब आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। अभी नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 602 मिलियन था अगेंस्ट 525 मिलियन, और यहाँ पे रिपोर्टेड रिवेन्यू देखा जाए तो 77.20 मिलियन था, सीसी ग्रोथ 4.3% क्वार्टर एंड क्वार्टर पे था। अब नेट कैश ऑन क्वार्टर स्टूड हुआ है वो कहाँ पे खड़ा है, वो खड़ा है 8,786 मिलियन पे एज कम्पेयर्ड और 8,224 लास्ट क्वार्टर, और जीरो डेप्ट कंपनी ये बन गई है, ये खुद KPIT का कहना है। और इनका जो फोकस है या परफॉर्मेंस हाईलाइट है उसमें जो है इन्होंने बताया है कि इनका सीसी ग्रोथ 4.3% का है, और जो है ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो एक्सपेंड किया है फ्रेशन एडिशन एंड एक्विजिशन के थ्रू, और इम्प्रूवमेंट लाया है यूटिलाइजेशन में, रिडक्शन इन सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में, और रिवेन्यू ग्रोथ में हेल्प एक्सपेंड मार्जिन। तो ये मार्जिन को अपना एक्सपेंड कर रहे हैं थ्रू, किसके थ्रू, आपका बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर उससे पैसा बचा रहे हैं, यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़, तो ये सारे लीड कर रहा है रिवेन्यू ग्रोथ को। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और बात कर ले इनका एडिशनल फैक्ट, तो ये देखिए आप यदि 19 से देखेंगे तो ये कोविड का समय था, और देखिए ये 77.2 यानी प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं, और एबिटा भी इनका देखिए अभी तक हाइएस्ट चल रहा है 17.3% का। तो ये जब ग्रोथ होता है दोस्तों तो आने वाले समय में वो कंपनी जो है मल्टी बैगर बन जाती है, ये मान के चलिए। और इनका जो प्रेजेंस है न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में बात करें तो यहाँ देखिए ये लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो है अपना काम शुरू किया, ऑटोनोमेशन ड्राइव में डोमेन में काम कर रही है, फिर लीडिंग एशियन कार मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रही है किसमें, इन द व्हीकल आर्किटेक्चर डोमेन में, और लीडिंग यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रही है व्हीकल डायग्नोस्टिक एरियाज में, और लीडिंग यूरोपियन टायर वन में काम कर रही है ऑटोनोमेशन ड्राइविंग डोमेन में, और ये काम कर रही है अमेरिकन टायर वन में वहाँ पे पावर ट्रेन डोमेन में। तो ये सारे चीज़ें जो हैं कार के क्षेत्र में, ये जो है आपको मालूम है जैसे आपका आगे आने वाला जो कार का होगा वो ऑटोमेशन होगा, और इसके क्लाइंट बहुत बड़े बड़े हैं। मैं फॉर एग्जांपल जो BMW इसका क्लाइंट है, तो इसके क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े हैं और ये इस चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती है। और आने वाले समय में आपको पता है कि जो कार होगा उसको ऑटोमेटिक ड्राइवर की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना होगा, KPIT करेगी दोस्तों। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि हर चीज़ जो है आपका, चाहे ट्रेन हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर ड्राइवर लेस कार, ड्राइवर लेस ट्रेन, तो ये सारी चीज़ें होनी है। तो ये जो आने वाला फ्यूचर होगा दोस्तों वहाँ पर आप सोचिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, मेरे कहने पे मत कीजिए, अपना ये जो मैं दिखा रहा हूँ बस इसको एक बार वेरीफाई कीजिए कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, और जो क्या मैंने दो पीछे के वीडियो बनाए थे जिस तरह से आपको मैंने बताया था क्या मैंने गलत बोला था, उसको वेरीफाई कीजिए, मेरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, और तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अब बात कर ले कि इनका अदर चीज़ों का, तो वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं।
तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार चार्ट पे आ जाते हैं और पुराने चार्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी जो है मार्केट आवर्स में 333 का चल रहा है और 4% का 5% का अप मूव दिखा चुका है। तो यहाँ पे आप पोजीशन लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट जो है 380 पे आप एक बार 50% अपना प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मार्केट बहुत ही ऊपर है, निफ्टी कभी भी नीचे आता है तो ये नीचे होकर 300 तक लेवल से आ सकता है। और यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 250 के आसपास एक्युमुलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ये मेरा दावा है। मुझे लगता है बाकी ये शेयर मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा आपको गेन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक बार सोचिए और समझिए और अपना डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और फिर अपना डिसीजन लेके इसमें एक पोजीशन बनाइए, अच्छा खासा मल्टी कैप अगर ये कंपनी हो सकती है। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।